आ तरफ जूनागढ़ नवसारी और सुरेन्द्रनगर में कांग्रेस नु कोकड़ू गुचवायु। केशोद में तो धड़ाधड़ राजीनामा पड़ा। केशोद यूथ कांग्रेस सहित सभ्योए कांग्रेस साथे छेड़ो फाड़े। कांग्रेस उम्मीदवार हीराभाई जोटवाथी कार्यकरों में भारे नाराजगी हती। केशोद यूथ कांग्रेस प्रमुख रिद्धम गोस्वामी नु राजीनामु पड़ी, साथे चार सभ्यो पण रोष साथे राजीनामा धरी चुक्या छे। विरोधना वंटोल ने नाराजगी साथे आ तमाम केशोद भाजपना उम्मीदवार दीवाभाई मालमना हस्ते भाजपनो केस धारण करी चुक्या छे। आ तरफ छेल्ला केटलाय दिवसथी सोमाभाई पटेल लवाजूनी करवाना फिराकमां हता, परंतु हजी पण तेओ टिकिट माटे हवातिया मारी रह्या छे। कांग्रेसमां आववा माटे सोमाभाई पटेल मरणियो प्रयास करी रह्या छे। टिकिटनी लाहेमां तेमणे प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकोर मळवानो समय पण मांगी चुक्या छे। हजी पण कांग्रेसमांथी चूंटणी लड़वाना सपना जोई रहेला सोमा पटेले चोटीलाथी अपक्ष लड़वानी जाहेरात करी हती। आ तरफ नवसारीना गणदेवी विधानसभा बैठक पर कांग्रेसे पोतानो उम्मीदवार बदल्यो। विवाद वधता कांग्रेसे पोतानो उम्मीदवार बदलवानी नौबत आवी। कांग्रेसे पहला गणदेवी विधानसभा बैठक पर शंकरभाई पटेल नाम जाहेर कर्यु हतु। हवे अशोक पटेल उम्मीदवारी फॉर्म भरशे। भाजप बाद कांग्रेस पण 2022 ना संग्राम माटे वधु 46 योद्धाओं ने मैदान में उतारी छे, जो कि हमेशा नी जेम आ वक्ते पण कांग्रेस में नाराजगी ना सूर संभळाई रह्या छे। छेल्ला 3 दिवस थी कांग्रेस ना कांगरा खरी रह्या हता। एक पछी एक धारासभ्यो कांग्रेस ना हाथ नो साथ छोड़ी रह्या हता। आ झटका वच्चे अने वधु कोई नेताओ तूटे ए पहला ज कांग्रेसे अर्धी रात्रे 46 उम्मीदवारों नी यादी जाहेर करी। कांग्रेसी धारासभ्योना भाजप तरफना प्रवाह वच्चे कांग्रेसे बीजी यादीमां 46 उम्मेदवारो जाहेर करी दीधा। बन्ने यादी मळी अत्यार सुधीमां कांग्रेसना कुल उम्मेदवारोनी संख्या 89 थई छे। बीजी यादीनुं विश्लेषण करता एक वात उड़ीने आंखे वळगे एवी छे, कांग्रेस पासे कोई जीती शके तेवा नेता ज जाणे न होय। जेमनो तेमना विस्तारमां दबदबो न होय तेम फरी एकवार कांग्रेसे जूना जोगीओ पर ज दारोमदार राख्यो। जूनू ए ज सोनू એ સમજી 22 એવા ધારાસભ્ય છે જેમણે ફરી ટિકિટ આપી રિપીટ કરાયા। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં 70 સિટિંગ એમએલએ પર ભરોસો મૂક્યો છે, જેમાં રિપીટ થયેલા ધારાસભ્યો પર નજર કરીએ તો દસાડાના નવશાદ સોલંકી, ચોટીલાના ઋત્વિક મકવાણા, ટંકારાના લલિત ગગથરા, વાંકાનેરમાં મહંમદ જાવેદ પીરઝાદા, ધોરાજીના લલિત વસોયા, કાલાવડના પ્રવીણ મુચડિયા, જામજોધપુરના ચિરાગ કાલરિયા, ખંભાળિયાના વિક્રમ માડમ, જૂનાગઢના ભીખાભાઈ જોશી, માંગરોળના બાબુભાઈ વાજા, સોમનાથના વિમલ ચુડાસમા, ઉનાના પુંજાભાઈ વંશ, અમરેલીના પરેશ દાનાણી, લાઠીના વિરજીત ઉમર, સાવરકુંડલાના પ્રતાપ દુધાત, રાજુલાના અમરીશ ઢેર તથા તળાજાના કનુભાઈ બારૈયાનો સમાવેશ થાય છે। તો પાલીતાણાથી પ્રવીણ રાઠોડ, માંડવીથી આનંદ ચૌધરી, વ્યારાથી પુનાભાઈ ગામિત, મીજરથી સુનિલ ગામિત અને વાંસદાથી અનંત પટેલને ફરી તક મળી છે। જો કે કોંગ્રેસે પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણી માટે સૌરાષ્ટ્રની ઘણી બેઠક પર નામ જાહેર કર્યા નથી। આ બેઠક પર પેજ ફસાયો છે, કોને ટિકિટ આપવાની તેને લઈને વિખવાદ શરૂ થયો।